आसमान में उगता सूरज और उसके साथ मंजिल की ओर बढ़ते कदम, कांधे पर बैग, मन में उमंग और अपने भविष्य को बेहतर बनाने का सपना लिए ये बच्चे हैं राजस्थान के सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के मकसद से अभिनव पहल की है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी गवर्नमेंट अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के जरिए बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने का मौका मिल रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये फायदा है यहाँ पर एक तो फीस नहीं लग रही, अच्छे इंग्लिश मीडियम के टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, तो उनके लेवल से बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी। यहाँ पर सब ऑल चीज़ें अच्छी है, सब अच्छा है, टीचर्स वगैरह सब। एंड हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं अपने पेरेंट्स को ये प्राउड कराऊंगी कि मैं उनकी बेटी हूँ। 18 जून 2019 को ये स्कूल शुरू हुए और 1 जुलाई 2019 से नया सत्र शुरू हो चुका है। आलम ये है कि इन स्कूलों में उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग उत्साह दिखा रहे हैं। It is a very good step taken by the government because the staff, they have recruited new staff and the team is really good, very young and enthusiastic, very creative, very motivational. ये स्कूल उन अभिभावकों के सपने को पूरा करते हैं जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन आसमान छूती फीस के चलते मन महसूस कर रह जाते हैं। ये गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ पे मिडिल क्लास का आदमी दिन ब दिन मर रहा है, रोज की मार खा रहा है हर तरफ से और उसके खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं, ऐसे में अगर उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं आज, ये तो बहुत बड़ी राहत की खबर है हमारे लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये निर्णय दूरदर्शी तो है ही, साथ ही ये मुख्यमंत्री की शिक्षा को लेकर गंभीरता को भी दर्शाता है।